हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। आज हम एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड पे डिस्कशन किया। तो एल्कोहल्स जनरली क्या होते हैं? आर ओ एच ग्रुप वाले क्या होते हैं आपके एल्कोहल? आर मतलब एल्काइल ग्रुप, CnH2n+1। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एल्कोहल किससे रिएक्ट करेगा, क्या क्या बनाएगा, वो सब हम एल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में स्टडी करते हैं। तो एल्कोहल मेनली दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस देते हैं। एक तो ओ और एच के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली रिएक्शंस, ए टाइप की रिएक्शन, और दूसरा आर और ओ एच के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली रिएक्शंस जो है बी टाइप की रिएक्शंस। ए टाइप की रिएक्शंस इस बात को प्रूफ करती हैं कि एल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं, और बी टाइप की रिएक्शंस इस बात को प्रूफ करती है कि एल्कोहल बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए एल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं क्यों, तो जो मैं पढ़ाऊंगा ए टाइप वाली वो लिख करके आ जाना है, और बी टाइप की रिएक्शंस प्रूफ कर लेंगे कि एल्कोहल OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं, बेसिक नेचर भी बिहेव करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ए टाइप की बात कर रहे हैं, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन ओ एंड एच, ओ और एच के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली रिएक्शंस। तो जनरली अगर हम बात करें तो आर ओ एच पहली रिएक्शन से, इसमें रिएक्शन विद एन ए, हम शॉर्ट समरी बता रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में सिंपल सिंपल जनरल रिएक्शन बात कर रहे हैं, बाकी आप लोगों को खुद से समझना है कि आर को मैं बार बार बोलता हूँ एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप का मतलब CnH2n+1। आप एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 लगाओगे तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन हमने सोडियम मेटल से कराई। जब भी कराते तो ऑब्वियस ही बात है कौन सी वाली पढ़ रहे हैं, तो याला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, अब ब्रेक होगा तो यहाँ से आर ओ एन ए रोना निकल जाता है और आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो सोडियम एल्कोऑक्साइड सॉल्ट बनता है। तो ये वाली रिएक्शन ये बताती है कि एल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं। बाकी आप आर की जगह CH3 लगो तो CH3OH मेथेनॉल, सोडियम मिथॉक्साइड C2H5OH लग दो एथेनॉल, तो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक तो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है, दूसरी है रिएक्शन विद NaOH, किससे रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH के साथ रिएक्शन। तो एल्कोहल की रिएक्शन NaOH बेस से कराएंगे, तो हमें पता है कि रिएक्शन में ये वाला बॉन्ड टूटना है, और रिएक्शन प्रूफ कर रही है कि एल्कोहल एसिडिक नेचर के, तो यहाँ से H और बेस से क्या आएगा, OH क्या बाहर हो जाएगा, वाटर, और फिर से क्या बन जाएगा, सॉल्ट। फिर आप R की जगह CH3, C2H5, C3H7 जो मर्जी आए वो लिखते रहो, और कम से कम एक ही रिएक्शन से तीन तीन रिएक्शन बना सकते हैं CH3, C2H5, C3H7 रख के। तीसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन का नाम है इस्टरीफिकेशन रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं एल्कोहल से कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, और ये रिएक्शन प्रूफ करती है कि एल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहीं से एच निकलता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होने के बावजूद भी यहाँ से OH देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक नेचर के होते हैं, इस रिएक्शन से प्रूफ किया जा सकता है। तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकलेगा, क्या बाहर हो जाएगा, H2O बाहर होगा, और क्या फॉर्म होगा, RCOOR। तो ईस्टर, COOR कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अब आपके R की जगह CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी लगा सकते हो। ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी ले सकते हो, जैसे CH3, अगर ये CH3 लिया तो ये C2H5, ये C2H5 लिया तो ये CH3 या C3H7, तो मतलब डिफरेंट भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईस्टर बन जाते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शंस हुई, ए टाइप की रिएक्शंस, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन ओ और एच। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, एल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं क्यों, तो एल्कोहल आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट गिव्स दोज फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इन रिएक्शंस के बेसिस पर आप ये बात वाला क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन आर एंड ओ एच, आर और ओ एच के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली रिएक्शंस। मैं यहाँ पे शॉर्ट में दिखा रहा हूँ आपको, तीन रिएक्शंस एक ही से दिखा दूंगा। जैसे ये आपका आर ओ एच है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी PCl5 से। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी ओ एच ग्रुप की रिएक्शन PCl5 से कराई जाती है, तो
आँख बंद करके POCl3 और HCl बाहर निकाल देंगे और जहाँ OH होता है वहाँ Cl आ जाता है, PO3Cl, POCl3 एक H और एक Cl, HCl, और जो OH था वहाँ क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा। फिर दूसरी रिएक्शन PCl3 से रिएक्शन करानी है, तो PCl3 से रिएक्शन करवाओगे आप इस रिएक्शन में तो क्या होगा, H3PO3 बाहर हो जाता है। अब H के तीन तो तब बाहर निकलेंगे जब तीन होंगे, तो इसमें यहाँ पे H के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, थ्री, तो H के थ्री, एक P, O के तीन, तो तीन R और तीन Cl क्या बना देंगे, 3RCl। पर मैं यहाँ थ्री नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि यहाँ थ्री होगा इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि थ्री लिख दूंगा तो फिर ये इम्बेलेंस होने लगेगी। PCl5, PCl3 और एक रिएक्शन और करवा रहे हैं SOCl2 से रिएक्शन, किससे करा रहे हैं SOCl2 से रिएक्शन, SOCl2 से कराएंगे तो यहाँ पे से क्या होगा आपका SO2 और HCl बाहर हो जाता है और जहाँ OH होता है वहाँ क्या आ जाएगा Cl, SO और एक O, SO2 एक H और एक Cl, HCl, तो R और क्या बन जाएगा यहाँ पे से Cl, RCl बन जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इन तीनों ही रिएक्शंस में क्या हुआ है, OH ग्रुप पूरा हट चुका है, तो पूरे OH ग्रुप की वजह से होने वाली रिएक्शंस में से ये रिएक्शंस है। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, ये इस वाले रिएक्शन से मैकेनिज्म का क्वेश्चन भी आता है, वो भी हम डिफाइन कर लेंगे, फिलहाल अभी इसे समझ लेते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो नाम से क्लियर है डिहाइड्रेशन है, तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया एल्कोहल का, तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का बाहर निकल जाना डिहाइड्रेशन। तो एल्कोहल को कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस की H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, तो यहाँ से OH और पड़ोस वाले से निकल जाएगा H, तो वाटर का बाहर निकल जाना डिहाइड्रेशन, तो क्या बाहर हो जाएगा आपका H2O। OH जाने से इसकी एक वैलेंसी खुल गई, H जाने से इसकी एक वैलेंसी, एक बॉन्ड तो था ही, एक एक वैलेंसी खुल गई, डबल बॉन्ड से कंप्लीट कर लेंगे, क्या बन गया ये आपका एथीन, और ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है। इस डिहाइड्रेशन में एक मतलब एल वाटर को गर्म करते तो पूरा OH ग्रुप हटा है, H2O बाहर हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। एक एग्जांपल और समझते हैं इसी में, CH3CH OH CH2 CH3, अगर इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, तो यहाँ से OH और पड़ोसी से H, पड़ोसी तो ये भी है पड़ोसी, तो कौन से पड़ोसी से निकालें, ऐसी स्थिति में उस साइड से हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं जहाँ पहले से ही कम होते हैं, यहाँ पे तीन हैं यहाँ दो हैं, तो यहाँ से बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालेंगे तो क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से H2O, और क्या फॉर्म होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या बन जाएगा ये आपका ब्यूट टूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ से निकालता तो ब्यूट वनीन भी बन सकता था, बट वहीं से क्यों निकला है, क्योंकि हाइड्रोजन कम है, और इस रूल को कहते हैं सेट जेफ रूल या सेट जेफ रूल भी कह सकते हैं। तो सेट जेफ रूल एलिमिनेशन रिएक्शन में लगता है, और हाइड्रोजन वहाँ से कम करते हैं जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, इतना ध्यान रख लेंगे। और मार्कोवनिकोफ इसका उल्टा रिएक्शन है, मार्कोवनिकोफ में एडिशन रिएक्शन में लगता है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, एलिमिनेशन में वहाँ से बाहर निकलता है जहाँ हाइड्रोजन पहले से ही कम होते हैं। तो फिलहाल इतना बता दिए, इसकी मैकेनिज्म भी डिफाइन कर लेता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन जो हुआ है उस डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म पे बात कर रहे हैं। कभी भी मैकेनिज्म समझानी होती है तो मैकेनिज्म से पहले रिएक्शन को डिफाइन करना होता है। तो रिएक्शन तो ये लिखी है हमारे पास, मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन तो क्या हुआ कि आपके पास रिएक्टेंट ने रिएक्ट करा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मैकेनिज्म आपको बताती है कि किसी केमिकल रिएक्शंस में पुराने बॉन्ड्स कैसे टूटे हैं, नए बॉन्ड कैसे बने हैं, नए बॉन्ड से इंटरमीडिएट कैसे बने हैं, और इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट बनने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को मैकेनिज्म कहते हैं। तो रिएक्शन तो एक लाइन में वो हो गई है, यहीं पर फिर से मैं दिखाई देता हूँ आपको समझाने के लिए, रिएक्शन ये है, आपने इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कितने पे गर्म कर दिया, 170 पे, यहाँ से OH पड़ोस वाले से क्या बाहर हो जाएगा H2O, क्या बन गया एथीन। अब इस रिएक्शन की क्या समझा रहे हैं हम मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म कितने, पहले स्टेप देखो, स्टेप नंबर वन, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो H2SO4 है वो ब्रेक होगा आपका H प्लस और HSO4 नेगेटिव में। स्टेप नंबर टू,
अटैक ऑफ प्रोटॉन का अटैक होगा एल्कोहल वाले पे, इस पे दो दो लोन पेयर है, मुझे एक की ज़रूरत है, मैं एक ही शो कर रहा हूँ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना तो समझ में आता होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मुझे एक ही लोन पेयर की रिक्वायरमेंट है, मैं एक ही शो कर रहा हूँ। इसका अटैक कराया किससे? एच प्लस से। तो इसने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसे, एक्चुअली कैसे दिए, दो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसे, एक तो इसका चार्ज हटा दे, दूसरा इसके साथ बॉन्ड बना ले, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इसे देगा तो इसका चार्ज हट जाएगा और ये मिल करके क्या बना लेंगे, अब बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन होगा क्या, CH3CH2 और OHH, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा। अब जब इस पर पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किसने पार्टिसिपेट किए थे, ऑक्सीजन ने। अब ऑक्सीजन एक तो अपने आप में इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उसके बावजूद उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, वो नहीं चाहेगा कि मैं पॉजिटिव के फॉर्मेट में रहूं, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और क्या रिमूव करवा देगा, H2O अपने लोन पेयर के साथ वापस बाहर, ऐसे में ही ज़्यादा खुश है। और कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेगा, CH3CH2 पॉजिटिव, कार्बन पर पॉजिटिव आता है उसे क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन कहते हैं। तो कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। स्टेप नंबर 3, हमको बनाना क्या है, दिमाग में एक बार ये भी सेट रखना होता है कि फॉर्म क्या करना है हमको। ये क्या है आपके पास, CH2, और इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अच्छा, पहले स्टेप में HSO4 नेगेटिव भी आया था, ये बेस है, इसका काम होता है प्रोटॉन को खींचने का, तो इसने यहाँ से क्या किया, पड़ोस वाले से एक H लिया। इसे क्या दिक्कत है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला, ये और ये मिल करके क्या बना लेंगे यहाँ पे, डबल बॉन्ड, और क्या बाहर हो जाएगा आपका, H2SO4। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट को बढ़ाते घटाते पार्टिसिपेट भी करते हैं, लास्ट में अनचेंज रहते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं। क्या बन जाएगा आपका बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इस चैप्टर में, एक इससे 12th में हेलोएल्केन हेलोएरिन में SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले चैप्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाली जो करवाने वाले वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की, जो कि है 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अभी कौन सा टेम्परेचर था, 170, अब क्या है 140 पे ये कैसे काम करता है उसे समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। 140 डिग्री पर ये दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे हमको, इसके ये दो मॉलिक्यूल ले लिए, और एक जगह से H और एक जगह से OH, हो तो अभी भी डिहाइड्रेशन ही रहा है, वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन ही है, लेकिन ये होगा भी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ही, लेकिन कितने डिग्री पे, 140 पे, 140 पे अलग प्रोडक्ट बनता है, 170 पे अलग प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, CH3CH2O फिर CH2 और CH3, क्या बन गया, ये ईथर, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, नाम क्या है इसका, डाई इथाइल ईथर या एथॉक्सी ईथेन इसका नाम हो गया IUPAC में। अब इसकी मैकेनिज्म भी देखनी पड़ेगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, मैकेनिज्म कैसे होगी, फिर से वही स्टेप नंबर 1, कैटलिस्ट ही सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं। H2SO4 है, H2SO4 को मैंने ऐसे लिखा हुआ है, कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और HSO4 नेगेटिव में, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, CH3CH2 OH, इसके पास लोन पेयर है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ था सेम वही, ये इस पर अटैक करेगा और क्या बना देगा इसको, CH3CH2OH2 पॉजिटिव, ये फॉर्म हो जाएगा। अब फिर वो नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे रहूं, तो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के H2O न्यूट्रल फॉर्म में ज़्यादा खुश है और क्या फॉर्म करेगा, कार्बोकेटायन। याद भी रखोगे कि इस वाली रिएक्शन में अगर वो पूछे 1 मार्क्स में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, तो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप की बात करें तो कितने मॉलिक्यूल ले रहे थे आप, 2, तो एक मॉलिक्यूल तो कार्बोकेटायन बन गया, दूसरा तो ऐसे का ऐसा ही है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ एल्कोहल को जानबूझ के, यही तो है CH3CH2OH। अब अटैक करने कौन आया, कार्बोकेटायन, ये वाला दूसरा वाला मॉलिक्यूल। अब इसे क्या दिक्कत है, दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक तो इसका चार्ज हटा दे कोई और दूसरा इसके साथ मिलकर के बॉन्ड, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, चार्ज हटा, ये और ये मिलकर के बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने दिए, तो इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा,
पॉजिटिव, तो नेक्स्ट कैसा बनेगा, सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच टू सी एच थ्री, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब वो नहीं चाहेगा कि मैं ऐसे पॉजिटिव के फॉर्मेट में रहूँ। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो H प्लस बाहर कर देगा, और H प्लस किसके साथ जाएगा, जो पहले स्टेप में HSO4 नेगेटिव था उसने यहाँ से H प्लस लिया और क्या बाहर कर दिया, कैटलिस्ट आपका अलग, और क्या फॉर्म कर देगा, CH3CH2O CH2CH3। क्या बनाना था, डाईथाइल ईथर, बन गया डाईथाइल ईथर। तो एल्कोहल की कितनी कितनी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिया आपने, O और H के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से तीन, NaNOH और एस्टरीफिकेशन, फिर OH की वजह से PCl5 PCl3 SOCl2, और डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में भी दो टाइप पढ़ लिए, तो पांच और तीन आठ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें फिलहाल मैकेनिज्म का। नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं एल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएशन करने की। तो टॉपिक है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 degree 2 degree and 3 degree एल्कोहल, इम्पॉर्टेंट 1 degree 2 degree 3 degree एल्कोहल में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो पहला मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। कौन सा मेथड है, ऑक्सीडेशन मेथड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2OH 1 degree एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं KMnO4 या फिर K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका काम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का होता है तो एसिड, तो एल्डिहाइड कीटोन या एसिड तक डायरेक्ट पहुंचाते हैं ये वाले रिएजेंट। तो कैसे, एक एक स्टेप से समझा देते हैं। एच एच और ओ क्या बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH। तो 1 degree एल्कोहल डायरेक्ट टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने से, डायरेक्ट एसिड में पहुंच जाते हैं, रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती। इसका नाम आपको पता ही है, एसीटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, एथेनॉल और OH से जुड़ा कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा है तो कौन सा है, 1 degree एल्कोहल। दूसरा एग्जाम्पल CH3, डिफरेंस क्या है अभी दिखाते हैं। यह है आपका 2 degree एल्कोहल, प्रोपेन 2ol, KMnO4 या K2Cr2O7 ले लेंगे, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो एसिड तक ही रुकेगी, तो यहाँ से H H और O क्या बाहर हो जाएगा, H2O। 2 degree एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन जाएंगे, कीटोन, और कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेंगे आपके, एसिड। कितने कार्बन है, ये तीन। अब दो ही कार्बन वाला एसिड बनेगा, जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड तक पहुँचते पहुँचते एक कार्बन कम हो जाता है, और कार्बन कम करने के लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र बस ऑक्सीजन ही है, तो C और 2O क्या बाहर कर देंगे, CO2। फिर H2 और 1O क्या बाहर हो जाएगा, H2O। तो ये क्या बचा रह जाएगा, H ही बचा रह जाएगा, CHO, और उसको O मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3COOH। यहाँ कितने कार्बन थे, तीन, एसिड तक पहुँचते पहुँचते एक कार्बन कम हो जाता है। 3 degree एल्कोहल को देखो, CH3C CH3OH, इसका ऑक्सीडेशन कराया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो अभी क्या होता था, आज तक तो ये होता था कि यहाँ से H और O चला जाता था, लेकिन यहाँ तो H है ही नहीं, तो यहाँ पर किस तरीके से होता है कि जब 3 degree का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन बनाते हैं। कैसे बनेंगे, C और एक कार्बन कम हो जाता है कीटोन तक पहुँचते पहुँचते, सी और 2O क्या बाहर हो गए, CO2। तीन हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन यहाँ से लेंगे, दो ऑक्सीजन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2H2O बाहर हो जाएगा, और क्या बचा रह जाएगा बस आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, वही है जो पहले था। फिर कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनते हैं, अभी बताया था CO2 और H2O, बिल्कुल सेम वही है जो ऊपर है, और क्या बन जाएगा, COH। बाकी आपको दो और तीन यहाँ लग रही थी और एक यहाँ लगी थी, तो टोटल कितनी ऑक्सीजन लगी होंगी, 4 ऑक्सीजन लगी होंगी, वो हमारे हाथ में हम रख लेंगे। तो 1 degree एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनते हैं, 2 degree का करते हैं तो भी एसिड, 3 degree का करते हैं तो भी एसिड बनते हैं, तो फिर डिफरेंशिएशन क्या रह गया। तो 1 degree वाले जब एसिड बनाते हैं तो सेम नंबर ऑफ कार्बन के साथ बनाते हैं, 2 degree वाले जब एसिड बनाते हैं तो एक कार्बन कम हो जाता है, और जब 3 degree वाले जब एसिड में कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते दो कार्बन कम हो जाते हैं। यहाँ कितने कार्बन थे, चार, वहाँ कितने कार्बन रह गए, दो। तो 3 degree जब एसिड बनाते हैं तो सीधे कितने कार्बन कम हो जाते हैं,
दो दो कार्बन कम हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने का एक ऑक्सीडेशन मेथड है। एक चीज़ और देख लेंगे, अगर हमें रिएक्शन को सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन ही बनाने हों, एसिड ना बनाने हों, ये तो खैर ऐसे डिफ्रेंशिएशन तो मेथड हो गया जो पढ़ रहे थे टॉपिक, फिलहाल उस टॉपिक में अगर हमें सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही बनाने हों तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना लेकर के हम इसमें ले लेंगे पीसीसी, पिरिडियम क्रोमिल क्लोराइड। या याद रखने के लिए पहले कंट्रोल करो, रिएक्शन को पहले कंट्रोल करने के लिए क्या मिला देते हैं, पीसीसी, ताकि क्या ना बन पाए, एसिड में कन्वर्ट ना हो पाए। और इन एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन तक बनाने के मेथड को, यहाँ तक के मेथड को इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। वैसे खैर ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर का पार्ट है, बट फिलहाल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफ्रेंशिएशन तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है डिफ्रेंशिएशन करने का, विक्टर मेयर टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के साथ उसे देखते हैं। ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन HI से कराई, तो यहाँ से H2O बाहर हो जाता है और क्या बनेगा आपका, CH3CH2 iIDO ethane बनेगा। फिर कराएंगे AgNO2 के साथ, यहाँ से बाहर हो जाएगा आपका AgI और क्या बनेगा, नाइट्रोइथेन बन जाएगा आपका। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ, मैं HNO2 को ऐसे लिख रहा हूँ, नाइट्रस एसिड। तो यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H, क्या बाहर हो जाएगा फिर से H2O और क्या बनेगा आपका, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा, नाइट्रोसो प्रोडक्ट। इसके बाद आप इसमें NaOH या KOH मिला दो, तो NaOH या KOH मिलाने पर ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो बीकर था वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर। अगर रेड कलर का हो गया इसका मतलब वो कौन सा एल्कोहल था, 1 डिग्री एल्कोहल था। अब 2 डिग्री एल्कोहल की कहानी देखते हैं, 2 डिग्री क्या क्या तमीजियाँ करते हैं। CH3CH CH3OH, OH से जुड़ा कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन फिर से वही HI से, क्या बाहर हो जाएगा फिर से H2O बाहर आएगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, 2 iDO propane। HI के बाद कराएंगे AgNO2 के साथ रिएक्शन, क्या बाहर हो जाएगा बताओ, AgI बाहर हो जाएगा, CH3CH CH3 और क्या बन जाएगा, NO2। फिर किससे कराते हैं, HNO2 से कराते हैं, HNO2 से कराएंगे तो OH और यहाँ से H, क्या बाहर हो जाएगा, H2O और क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3CCH3NO2 और NO। और उसके बाद इसमें NaOH या KOH मिला देंगे तो ये आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपका सॉल्यूशन बीकर का कलर ब्लू कलर में बदल भी गया तो ब्लू कलर में बदल जाएगा, तो ये क्या दे देंगे आपके, कौन सा डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। तो 2 डिग्री ब्लू 1 डिग्री रेड। अब बात कर लेते हैं 3 डिग्री एल्कोहल की, तो CH3CH3OH दिख रहा है, 3 डिग्री एल्कोहल, OH से जुड़ा कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमें, HI से, क्या बाहर होगा बताओ, H2O बाहर और क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल 2 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन। HI के बाद किससे कराएंगे, AgNO2 से, क्या बाहर हो जाएगा बताओ, AgI बाहर, क्या बनेगा, CH3CCH3NO2 और यहाँ पर भी क्या, CH3। फिर किससे रिएक्शन करा देंगे, AgNO2 के बाद किससे कराते हैं, HNO2 से रिएक्शन कराते हैं। और जब HNO2 से कराएंगे तो अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ से क्या निकल जा रहे थे, H और OH निकल जा रहे थे, अब इसके पास H है ही नहीं, तो फिर रिएक्शन होगी बहुत अच्छी वाली, नो रिएक्शन। और इसके बाद आप इसमें NaOH या KOH मिला दोगे तो ये कैसा रहने वाला है, अगर कलरलेस रह जाता है तो वो कौन सा रिएजेंट होगा, वो कौन सा एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने का विक्टर मेयर टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की रिएक्शन कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट से, तो ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल। तो कराते हैं ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl, इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है ल्यूकास रिएजेंट। तो जब 1 डिग्री की करवाते हैं तो बहुत अच्छी रिएक्शन होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती। फिर 2 डिग्री एल्कोहल की अगर हम रिएक्शन कराते हैं
तो प्रेसिपिटेट बनेगा लेकिन थोड़ी देर बाद, H2O बाहर और 2-chloropropane का PPT फॉर्म होगा आफ्टर सम टाइम, या आफ्टर 10 मिनट भी लिखा रहता है कुछ बुक्स में। और फिर आती है बारी किसकी, 3 डिग्री एल्कोहल की। तो 3 डिग्री एल्कोहल क्या करेंगे आपके ZnHg और कंसनट्रेटेड HCl के साथ, PPT फॉर्म करेंगे तुरंत, ठीक है। PPT फॉर्म इमिडिएटली PPT जो फॉर्म बन कर देंगे, मिलाते ही जिसने PPT फॉर्म कर लिया इसका मतलब वो कौन सा है, 3 डिग्री। जो थोड़ी देर में PPT फॉर्म करे वो 2 डिग्री, और बनाए ही ना वो, इसका मतलब वो कौन सा एल्कोहल रहा होगा, 1 डिग्री एल्कोहल रहा होगा। तो एक ये रह गया, एक और लास्ट रह गया डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। डिहाइड्रोजिनेशन नाम से क्लियर है, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना। तो 1 डिग्री एल्कोहल को कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो हाइड्रोजन को बाहर फेंकना है यहाँ से। कैसे बाहर निकालेंगे, भी निकालते हैं। और याद रखना कि अगर उसने 573 केल्विन बोला है तो भी सही है, क्योंकि केल्विन में बदलोगे तो 273 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से H और यहाँ से पड़ोस वाले से एक H क्या बाहर हो जाएगा, H2। और जब H बाहर चला जाएगा तो ये CH डबल बॉन्ड O बचेगा, यानी कि CH3CHO जो कि एसीटाइल्डिहाइड है। अब यहाँ पे इसको 2 डिग्री के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री पे गर्म कर देंगे 2 डिग्री एल्कोहल को। तो यहाँ से H और पड़ोस से एक और H क्या बाहर हो जाएगा आपका, H2 बाहर हो जाएगा। और क्या फॉर्म होगा बताओ, CH3 डबल बॉन्ड एसीटोन या कीटोन फॉर्म हो जाएगा। तो 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, जबकि 3 डिग्री को गर्म करेंगे तो, इसे ध्यान से देखो 3 डिग्री वाले के केस में, एक्चुअली देखा जाए तो ये डिहाइड्रोजिनेशन देता ही नहीं है, डिहाइड्रेशन देता है। क्योंकि यहाँ से OH, अभी तक तो H और यहाँ से H निकलता था, यहाँ तो H है ही नहीं, तो यहाँ से OH और पड़ोस वाले से H क्या बाहर हो जाता है, H2O बाहर हो जाता है। और CH3 और यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड तो था ही, H जाने से इस कार्बन की वैलेंसी, और इस कार्बन से OH जाने से इस कार्बन की वैलेंसी खुल जाएगी। कैसे कंप्लीट करेंगे, डबल बॉन्ड से। तो काउंटिंग करेंगे तो 2-methyl propane, यानी कि क्या फॉर्म होता है, एल्कीन फॉर्म होता है। तो 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, जबकि 3 डिग्री एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिफ्रेंशिएट करने के 4 मेथड्स पे बात कर ली गई आपके साथ, ऑक्सीडेशन, ल्यूकास, विक्टर मेयर और ये डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। और केमिकल प्रॉपर्टी में 3-3 OH बॉन्ड टूटने की वजह से, ROH बॉन्ड टूटने की वजह से, और डिहाइड्रेशन अलग से 2 मैकेनिज्म के साथ पढ़ा दिया। तो केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल सारा कंप्लीट हो चुका है, कल से बात करेंगे फिनॉल की प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टी। तब तक बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, टाटा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो।